हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और ये बेसिकली वीडियो जो बना रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि किसी ने मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारी है। और वो स्ट्राइक किसने मारी है मुझे देखना है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि स्ट्राइक आई किस लिए है। सी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो स्ट्राइक आई है मेरे इस पर, वो देखो, आप देख रहे होंगे कि तीन स्ट्राइक हैं, कि तीन में से अगर आपकी तीन स्ट्राइक होती हैं तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। तो मेरे को एक किसी ने अभी एक स्ट्राइक मारी है, जस्ट मैंने चेक किया। सो मैंने कभी शायद आईपीएल की वीडियो मैंने शायद कभी डाली है, आई थिंक हाँ। तो उन्होंने स्ट्राइक मारा मेरे चैनल पे। शायद ये मेरी गलती है कि मतलब हमें किसी का कंटेंट जो भी हम डाल रहे हैं, ये खासकर उन लोगों के लिए जो लोग YouTube स्टार्ट कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम किसी का भी कंटेंट अगर ले रहे हैं, चाहे गाने ले रहे हैं चाहे किसी कुछ ले रहे हैं, तो वो हम पे स्ट्राइक मार सकते हैं अगर वो उनका खुद का कंटेंट है। तो वैसे ही अभी मैंने ये वीडियो उसमें जो YouTube में डाली थी मैंने, इंडियन प्रीमियर लीग जो अभी चल रहा था IPL, तो मैंने उसमें डाली होगी, तो उसमें अभी उन्होंने डाल दिया, स्ट्राइक डाल दी मेरी इसमें। बट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपायर हो जाएगा 34 डेज़ में। बट ऐसा नहीं करना क्योंकि इससे आपका चैनल भी ख़राब होता है। तो ये मुझसे गलती हो गई, तो ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए आप ये गलती ना करें और अपने खुद के कंटेंट डालें। एक्चुअली मैंने किया था कि मैंने जब ये वीडियो मैंने डाली थी, तो मैंने टीवी में ये IPL चल रहा था, तो मैंने उसका रिकॉर्ड करके डाल दिया। तो कहते हैं कि जब भी कोई वीडियो डालो, या अगर आप डाल रहे हो तो आपका उसमें होना ज़रूरी है, आपका उसमें आपका फेस होना ज़रूरी है। तो ये YouTube कहता है कि आप किसी का कंटेंट अगर ले रहे हो तो थोड़ा सा कंटेंट ले सकते हो, बट उसमें आप होने चाहिए। तो आप ऐसा ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर सकते हो आप चीज़ों को दिखाने के लिए, बट मैंने जो किया वो गलत वे था और ये होना ही था। चाहे एक महीने बाद होता या एक साल बाद, अगर ये चीज़ अगर देख ली जाती है तो ये स्ट्राइक पड़ जाता है। तो वैसे ही ये स्ट्राइक मेरे अकाउंट में पड़ गया, अभी एक स्ट्राइक हो चुका है, बट 34 डेज़ में एक्सपायर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें ऑलरेडी मैंने अपील भी डाला था, बट अपील नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया मेरा काउंटर नोटिफिकेशन। बट ठीक है, आई एम ओके विद दैट कि गलती हुई है मुझसे, और मैंने उसके रिगार्डिंग मेल भी लिखी है कि मुझसे गलती हुई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सो गाइस, ये आप ना करें, मेरे से भी गलती हुई है इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आप भी ये गलती ना करें। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हो आप।